الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليستجع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جناب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے और वो खड़ा हो तो उसे चाहिए कि बैठ जाए, अगर बैठने से उसका गुस्सा जाता रहे तो खैर, वरना उसे चाहिए कि लेट जाए। इस हदीसे पाक में नबी अलैहिस्सलाम ने गुस्से का इलाज बताया कि मुसलमान को जब भी गुस्सा आ जाए तो अपनी हालत को तब्दील कर दे, खड़ा है तो बैठ जाए, अगर फिर भी नहीं गुस्सा जाता तो लेट जाए। इससे अल्लाह उस मुसलमान के गुस्से को दूर फरमा देंगे। गुस्से में जब इंसान आ जाता है तो आपे से बाहर होता है और जिंदगी में ऐसा काम कर बैठता है जिसे उम्र भर पछताना भी पड़ता है और उम्र भर उसे दुख भी उठाना पड़ता है। इसलिए गुस्से की हालत को बदल कर उस कैफियत को पैदा करें, उस हालत को पैदा किया जाए ताकि जिंदगी पछतावे से बच जाए, ताकि जिंदगी में किसी किस्म का दुख बाकी ना रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया गुस्सा एक शैतानी अमल है और अल्लाह ने शैतान को आग से पैदा किया है। जाहिर है आग पानी से बुझती है, इसलिए फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने जिस बंदे को गुस्सा आए उसे चाहिए कि वो वुजू करे, अल्लाह ताला उस मुसलमान के इस अमल से उसके गुस्से को ठंडा फरमा देंगे। और फिर एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी रसूल आए और उन्होंने आकर ये बयान फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नसीहत फरमा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई, फरमाया ला तगज़ब, फरमाया ला तग़ज़ब। सहाबी रसूल फरमाते हैं ये लफ्ज नबी अलैहिस्सलाम ने कई मरतबा कहा, फिर मैंने गौर किया तो मालूम ये हुआ हकीकत यही है कि गुस्सा तमाम बुराइयों की जड़ है। जब गुस्सा आ जाता है तो इससे घर के घर बिगड़ जाते हैं, घर के घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं, मुआशरा बिगड़ के तबाह बर्बाद हो जाता है। और फिर गुस्सा ठंडा होता है तो उसके बाद पछतावे के सिवा कुछ भी बाकी नहीं बचता। तो ये नबी ने सलातो सलाम ने ये इशारत फरमाया लैस शदीद बिस्सुर्रा इन्नम शदीदुल लदी यमलिकु इंदल गज़ब। फरमाया पहलवान इसे नहीं कहा जाता कि जो बंदा किसी को बिछाड़ दे, जमीन पे लिटा दे, बल्कि नबी ने सलातो सलाम ने पहलवान की तारीफ फरमाई पहलवान उसे कहा जाता है, बहादुर वो शख्स होता है, ताकतवर वो शख्स होता है जिसको गुस्सा आए
और वो गुस्से के वक्त अपने गुस्से पे कंट्रोल कर ले, ये सबसे बड़ा बहादुर नबी ने सलातो सलाम ने फरमाया। आपने हजरत अली रजी अल्लाह का आदानु का वो वाक्या मशहूर सुन रखा होगा कि जिसमें एक मरतबा हजरत अली रजी अल्लाह का आदानु ने एक काफिर को नीचे लिटाकर उसको मार रहे थे, और काफिर ने देखा कि हजरत अली से जान छूट नहीं रही, तो उसने हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अनु के चेहरे पे थूक दिया, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अनु ने उस काफिर को छोड़ दिया। अब किसी ने पूछने वाले ने पूछा, मारने का वक्त तो अब था, अब आपने क्यों छोड़ दिया? फरमाया, पहले मैं मार रहा था तो अल्लाह की रजा के लिए, अब जब उसने मेरे चेहरे पे थूका तो मेरा गुस्सा बीच में शामिल हो गया था, और मैंने नबी अलैहिस्सलाम को सलाम का ये फरमान भी है कि बेल पहलवान वो शख्स है जो बंदा अपने गुस्से पे कंट्रोल करे। अब अगर मैं मारता तो मैं अल्लाह की रजा के लिए नहीं, अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए मारता, इसलिए मैंने मारना ही छोड़ दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहलवान वो होता है जो अपने गुस्से पे कंट्रोल करे। आज घरों में लड़ाइयां झगड़े का देखा जाए सबब क्या है? सबब यह है कि दोनों तरफ से शेर की कैफियत है, कोई शेर है तो उसके मुकाबले में सवा शेर खड़ा है, बीवी है तो वो गुस्से वाली, खामिंद है तो वो गुस्से वाला, सास है तो वो गुस्से वाली, बहू है तो वो गुस्से वाली, बाप बेटे के दरमियान लड़ाई है तो गुस्से की वजह से। इसलिए अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमा दिया, पहलवान वो है, बहादुर वो है जो बंदा अपने गुस्से पे कंट्रोल करे। कई शिकायत ऐसी मिलती हैं जिन शिकायत में लड़ाई झगड़े की सबब अगर कोई चीज है तो वो छोटी सी बात गुस्सा है, उस गुस्से के आने की वजह से तलाक तक नौबत आ जाती है और घर का घर उजड़ जाता है। बाद में पूछा जाता है जी गुस्से की हालत में तलाक होती है या नहीं होती? ये सुन लीजिए, हमेशा जो बुनियाद रखी जाती है गुनाह की, और शैतान सबसे पहले इंसान के हदीसे पाक में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नश्शैतान यजरी मजरा दम, शैतान इंसान की रगों में इस तरीके दौड़ता है जिस तरीके से खून इंसान की रगों में दौड़ता है। वो मौका तलाश करता है कि कोई मौका ऐसा मिल जाए जिस मौके में मैं खानदान को तबाह करूं, मैं मुआशरे को तबाह करूं। वो सबसे बड़ा मौका उसके पास अगर होता है तो वो गुस्से की हालत होती है। अब गुस्से की हालत में वो कोशिश करता है तीर चलाने की, उमूमन तीर उसका निशाने पे भी लग जाता है। इसलिए जिस बंदे को गुस्सा आए वो अपनी हालत को बदल दे, कमरा छोड़ के चला जाए, घर छोड़ के बाहर निकल जाए, ताकि गुस्से पे कंट्रोल हो और बाद में पछतावे से बच जाए। नबी अलैहिस्सलाम के दो सहाबी और नबी अलैहिस्सलाम के दोनों सहाबी आपस में बातचीत में कुछ ऊपर ज्यादा हो गई, झगड़े तक नो बताई। नबी अलैहिस्सलाम ने जब निगाह उठाकर देखा तो एक साइड की रगें फूली हुई थी और फरमसात उनका चेहरा सुर्ख था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं एक ऐसा कलमा जानता हूं जिस कलमे की वजह से तुम्हारा यह गुस्सा जाता रहेगा। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब भी किसी मुसलमान को गुस्सा आ जाए उस वक्त वो मुसलमान पड़े औजु बिल्लाह मिनश्शैतान रजतानी हमले से महफूज फरमा देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे में तीन बातें होंगी, जिस बंदे में तीन बातें होंगी, अल्लाह ताला उस मुसलमान को अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाएंगे, अल्लाह उसे अपनी रहमत में अपनी रहमत की लपेट में ले लेंगे। जिस मुसलमान में अगर तीन बातें हैं, सबसे पहली बात नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की दी हुई नेमतों पे शुक्र अदा किया जाए। जो नेमत अल्लाह ने मुसलमान को दी है और उन नेमतों पे शुक्र करने वाला अल्लाह उस मुसलमान को अपनी रहमत में ले लेते हैं। दूसरा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे के पास ताकत हो, कुदरत हो बदला लेने की, इंतकाम लेने की, और वो ताकत रखने के बावजूद किसी बंदे को माफ कर देता है, अल्लाह उस बंदे को अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाते हैं। आज हमें
मजलूम को देखकर, कमजोर को देखकर उसका से बदला लेने का दिल तो चाहता है, लेकिन अगर कोई ताकतवर हो तो हम उसे माफ कर देते हैं। तो जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह उस बंदे को अपनी रहमत में लेते हैं जो बंदा ताकत होने के बावजूद माफ कर दे। तीसरा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह उस बंदे को अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाएंगे जिस बंदे को गुस्सा आए और वो गुस्से की हालत में खामोश हो जाए, सुस्त पड़ जाए और वो गुस्से में किसी किस्म का जवाब ना दे, अल्लाह पाक उस बंदे को अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाएंगे। जैसा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला के बारे में आता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला के दरवाजे पर एक मर्तबा एक आदमी ने दस्तक दी और वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला का दुश्मन था और इसलिए उसने दस्तक देकर इमाम साहब को बाहर बुलाया और बाहर बुलाकर इमाम साहब को एक नाजायज किस्म की समझे गाली निकाली और इतनी बुरी गाली निकाली। तो इमाम साहब से कहने लगा कि मैं आपकी वालिदा से निकाह करना चाहता हूं। इमाम साहब को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, लेकिन इमाम साहब ने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया और जवाबन ये फरमाया, ठीक है मैं अपनी वालिदा से पूछूंगा। और किसी ने पूछा, हजरत आपने इसको मारा क्यों नहीं, आपने इसको जवाब देकर वापस क्यों भेज दिया? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने सिर्फ जवाब इसलिए दे दिया वरना मैं जवाब भी ना देता। मैंने सबर किया, गुस्से पे कंट्रोल किया, अगर मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल न करता, मार देता तो ये नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म की मुखालफत लाजम आती। और दूसरा, मैंने जवाब सिर्फ इसलिए दिया कहीं मेरा सबर इस इंसान के ऊपर पड़ ना जाए। मैं गुस्से में सबर कर लेता और जवाब थोड़ा सा भी ना देता तो ये बंदे की मौत वाकया हो जाती, अल्लाह उस बंदे को हलाक फरमा देते। मैंने थोड़ा सा जवाब दे दिया ताकि मेरा गुस्से में जो गुस्सा है और उस गुस्से की वजह से अल्लाह मेरे सबर को इसके ऊपर ना डाल दे और मौत वाकया ना हो जाए। इमाम साहब इस जवाब से हैरानगी पैदा हो गई, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गुस्सा आ जाए, गुस्से में इंसान को सुस्त रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और शिक्षात जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गुस्सा ईमान को खराब कर देता है, गुस्सा ईमान को खराब कर देता है, जिस तरीके से एलवा शहद को खराब कर देता है। शायद एक ऐसा एलवा एक ऐसा दरख्त है जिसका रस इंतहा दर्जे का कड़वा होता है, बेहद किस्म का कड़वा, उसके चंद कतरे भी अगर शहद में डाल दिए जाएं तो शहद कड़वा हो जाए, इतना कड़वा किस्म का दरख्त। लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा गुस्से में होता है उसका ईमान इस तरीके से खराब हो जाता है जिस तरीके से एलवा शहद को खराब कर देता है। मेरे मुसलमान भाइयों, आज माशरे में जो जुल्म ज्यादती है और बर्बरियत है और अमन का खत्म होना है, इसकी सबसे बड़ी वजह है तो ये गुस्सा है। आप देखें रोजाना के वाकयात हमारी आंखों के सामने हैं, उसकी मेन वजह अगर देखी जाए तो ये गुस्सा है। जैसा कि पंजाब चौक में एक मरतबा ये वाकया पेश आया, पंजाब चौक में एक गाड़ी वाला जा रहा था और वो बड़ी गाड़ी वाला आगे था, छोटी गाड़ी वाला पीछे था। छोटी गाड़ी वाले ने बड़ी गाड़ी वाले को हॉर्न बजा दिया और उस हॉर्न बजाने की वजह से बड़ी गाड़ी वाले ने यह सोचा कि मेरी तोहीन हो गई, इसने मुझे हॉर्न क्यों बजाया, ये कौन होता है मुझे हॉर्न बजाने वाला। इतना गुस्सा आया, अपनी गाड़ी से उतरा और पिस्तौल निकाल कर वहीं उस बंदे को कत्ल कर दिया। आप अंदाजा लगाइए इस बात से कि इतनी सी बात थी कि एक हॉर्न बजाने के ऊपर इंसान की जिंदगी का चराग गुल कर दिया गया, जिंदगी में पछतावे के सिवा क्या रह जाता है। पीछे जेल है और सजाएं हैं और करते करते जिंदगी जो है वो इस तरीके से जेलों में गुजर जाती है, बाद में पछताने से पहले पहले हर मुसलमान को चाहिए कि वह अपने गुस्से पे कंट्रोल करे। उमूमन स्कूल में और इसी तरीके से मदरसों और माशरे में बच्चों को मारा पीटा जाता है और उसके मारने पीटने के बारे में
इमाम शामी रहमतुल्लाह ताला ने दुर्रे मुख्तार में फतवा दिया और इमाम शामी रहमतुल्लाह ताला ने यह फतवा दिया, अगर किसी बच्चे को तीन जरबात से ज्यादा तीन सोटियों से ज्यादा अगर किसी बंदे ने उसको मार दिया तो वो कयामत के दिन उस बंदे से किसास लेगा कि इसने मुझे तीन सोटियों से ज्यादा मारी, तो ये किसासन उससे कयामत के दिन बदला लिया लेगा कि मुझे क्यों मारा। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि अगर कोई बंदा अपने बच्चे नाबालिग को मारे या किसी नाबालिग बच्चे को मारे और वो नाबालिग बच्चा जब जवान हो जाए और जवानी के बाद वो कहे कि मैंने माफ कर दिया, तब भी ये गुनाह माफ होने वाला नहीं है। और फरमाया करते थे अगर किसी का बच्चा कोई गलती कर बैठे तो गलती करने के बाद सोचा करे कि बच्चे की गलती कितनी है और सोच समझ कर फिर बच्चे को मारा जाए, यह ना हो कि गलती आए वो बच्चा करे और उस गलती के बाद आपका गुस्सा शामले हाल हो और अपने गुस्सा निकालने के लिए आप बच्चे को जब मारेंगे तो यह नाजायज करेंगे, यह हराम काम है कि अपने गुस्से की वजह से बच्चों को मारा जाए। फरमाया जब भी गुस्सा आए पहले गुस्से पे कंट्रोल करें, फिर उसके बाद सोचें किसकी गलती कितनी है, फिर बच्चे को थोड़ा तादीब के तौर पर अदब सिखाने के लिए मारा जाए तो यह मारना जायज है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में मुत्तकी लोगों की चार सिफतें बयान की है कि मुत्तकी लोगों में ये चार सिफतें होती हैं। पहली सिफत वल्लदीन युनफिकून फिस्सर्राई वज़्ज़र्रा, खुशी हो तंगी हो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, तंगदस्ती का जमाना हो खुशहाली का जमाना हो अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करते हैं। दूसरा अल्लाह फरमाते हैं काज़िमीन अल-ग़ैज़, जब गुस्सा आ जाता है मुत्तकी लोग गुस्से पे कंट्रोल करते हैं, वो गुस्से पे काबू करते हैं। तीसरा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल-आफ़ीन अन-नास, कुरान कहता है लोगों को माफ करने वाले, माफ करने वाले, दर्द गुजर करने वाले, ये मुत्तकी लोग होते हैं। चौथा नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करते हैं। खुलासा दर्ज का ये निकलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे को गुस्सा आ जाए वो बंदा उस गुस्से का इलाज यह है कि अपनी हालत को तब्दील कर दे, खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा हुआ है तो लेट जाए। और दूसरा इलाज फरमाया कि जब गुस्सा आ जाए उस बंदे को चाहिए कि वो बंदा वुजू करे। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ताकतवर वो बंदा होता है जो जो बंदा गुस्से के वक्त गुस्से के ऊपर कंट्रोल करे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफीक।